हेलो जी मिस्टर एडियस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज मैं आया हूँ कुछ अल्टीमेट सी लोकेशन पर। गाइस आप यहाँ से ही देख पा रहे हो गाइस कि आपको लोकेशन किस तरीके से दिख रही है। हाँ गाइस मैं पहाड़ी की तरफ ही आया हूँ, बट गाइस मैंने अभी तक के जितने भी मैंने ब्लॉग लाए गाइस पहाड़ी वाले, अब गाइस पहाड़ी के ऊपर में मैंने गाइस ब्लॉग जो बनाया हूँ गाइस उसके बारे में गाइस मैंने आपको पहाड़ी का नज़ारा दिखाया हूँ, पहाड़ी पर क्या है, किस तरीके से पहाड़ी है, और वहाँ से मैंने आपको गाइस गाँव का व्यू दिखाया हूँ। बट गाइस इस वाले ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ जिस चीज़ से गाइस जिस पत्थर से पहाड़ी बनी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। गाइस जैसे कि अगर पहाड़ी बनी है तो गाइस कोई ना कोई पत्थर से तो बनी है, अगर ये वाले कौन से पत्थर गाइस किस काम में यूज़ होता है उसके बारे में गाइस मुझे जितना पता है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो कमाल का होने वाला है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है। अगर आपको वीडियो गाइस पसंद भी आता है ना तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। आपको बताने वाला गाइस इन पत्थर के बारे में जो यहाँ पर कैसे आए और इनका क्या यूज़ होता है, इनका क्या होता है गाइस, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ। बाकी वीडियो आपको एंड तक देखना गाइस, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है जहाँ तक कि गाइस मुझे पता है। तो मैं फटाफट से गाइस आपको पहले तो ये पत्थर दिखा दूँ सबसे पहले, और ये कितने बड़े बड़े होते हैं और इनमें क्या क्या होता है गाइस मैं आपको आगे थोड़ा सा आगे चल के दिखा देता हूँ पहले, और आपको दिखा देता हूँ कि पत्थर में एक्चुअल में क्या है। तो मैं सबसे उधर जाता हूँ पहले, तो उधर से आपको कुछ पत्थर दिखा देता हूँ हाथ में पकड़ के, और आपको कैमरा के पास में भी ला के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले उधर जाता हूँ और दिखाता हूँ एक आधा पत्थर हाथ में पकड़ के। सो गैस अभी मैं हूँ कुछ इस तरीके के लोकेशन में। गैस आपको इधर पेड़ वगैरह दिख रहा होगा, गैस आगे साइड में एक डामर रोड है गैस जो कि मेन रोड है, कुरमुड़ा जाता है। गैस इधर साइड में एक गाँव है कुरमुड़ा, और आप गैस ये वाला पेड़ देख सकते हैं, गैस पेड़ यहाँ से कितना बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत पेड़ है गैस। और इधर साइड में आप चेक मार सकते हैं, यह है गैस पहाड़ी, यह है पहाड़ी, और गैस ये तो उतनी बड़ी पहाड़ी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े आगे में पहाड़ी है गैस। बट उतना उधर चढ़ना इतना मुश्किल आसान नहीं है गैस, तो उसके लिए मैं ये जो ईजी वाली पहाड़ी है तो उसका मैं थोड़ा सा आपको कवर करके बताऊँगा गैस कि ये पत्थर कैसे हैं, किधर साइड से आए हैं, एक्चुअल में अभी इसका क्या यूज़ है गैस। तो मेरे को सबसे पहले उधर साइड में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से रास्ता है। यहाँ पे गैस कंपाउंड वाल बनी है, शायद से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गैस, यहाँ पे पत्थर वाली कंपाउंड वन बनी है, इसी पत्थर से गैस इस कंपाउंड वॉल को भी बनाया गया है। और इधर साइड से चेक मार सकते हो, आपको शायद से वो डामर रोड दिख रहा होगा गैस यहाँ पे। उधर साइड में मैंने गैस अपनी साइकिल पार्क की है और आया हूँ मैं गैस पहाड़ी की तरफ में वाला ब्लॉग शूट करने के लिए। गैस थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन वाला बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको बताने वाला हूँ इस पत्थर के बारे में कि ये एक्चुअल में क्या पत्थर है। वैसे आप ये लोकेशन चेक मार सकते हो, ये जो पेड़ दिख रहा है ना, मैं आपको पेड़ दिखा दूँगा, इसे पूरा सूखा पेड़ है, आप चेक मार सकते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा सूखा पड़ा है गैस। वो आम का पेड़ हुआ करता था, अभी पेड़ नहीं है, होगा उसको पूरा सूखा पड़ा है। और मैं गैस अभी जा रहा हूँ कुछ इस तरीके के लोकेशन में, आपको दिखाता हूँ गैस, ये चेक मार सकते हैं यहाँ से कैसे थोड़ी सी नहीं, आप यहाँ से साइड से दिख पा रहे हो गए, यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर है गैस, उसके ऊपर से ही यहाँ से दीवार टूटी है, तो यहीं से मैं उधर अंदर साइड में जा रहा हूँ, और बाकी कोई रास्ता नहीं है क्योंकि आगे साइड में गैस पूरे झाड़ वाड़ आ गए हैं, तो झाड़ के कारण में गैस अंदर जाना उतना जमरा नहीं था मेरे को, तो ये वाला रास्ता मेरे को अच्छा लगा, तो इसी से मैं अंदर आ गया। और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ गैस कि ये लोकेशन यहाँ पे चेक मार सकते गैस, ये इतने बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पर, और ये कैसे आए गैस इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, पहले आप लोकेशन देख लो। सबसे पहले तो इधर साइड से चेक मार सकते गैस, यहाँ पर देख सकते ये इतना बड़ा पत्थर है कि इसको गैस अकेला इंसान की तो बस की बात नहीं है। आप इधर साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ आपको छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, बट गैस इतने हेवी हैं कि इसको इंसान उठा ही नहीं सकता, और ये इतना बड़ा पत्थर है गैस, इतना बड़ा पत्थर है कि ये गैस सिर्फ ओनली ओनली ट्रक से आता है, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना जो माइनिंग में यूज़ होते हैं, क्योंकि ये मॉयल अच्छी है गैस, इसमें भी माइनिंग ही होती है, जो पत्थर वाला होता है ना जिससे जिस चीज़ से लोहा बनता है ना गैस, उस चीज़ का यहाँ पर माइनिंग होती है, तो उसी वाला पत्थर है ये। और ये अभी गैस किसी काम का नहीं है, वेस्ट हो गया है, इसमें से जो निकालना था वो मॉयल उन्होंने निकाल लिए। और वैसे बता दो गैस जो मॉयल है ये सरकार के अंडर में आती है, तो एक लीगल माइन है, तो इसको हम लीगल बोल सकते हैं क्योंकि लीगल ऑब्वियसली लीगल है, तो लीगली माइनिंग है गैस, इसमें कोई भी इनलीगल वाला काम नहीं होता, ये पूरे सरकार के अंडर में देखरेख के अंदर में काम होता है। और ये जो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना गैस, तो ये मैं किसी से पूछ के नहीं आया क्योंकि इधर आने के जाने का गैस कोई भी मना ही नहीं है, तो मैं आ गया और आपको बता रहा हूँ इस पत्थर के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जहाँ तक कि मुझे याद है और मुझे पता है। बाकी ये वाला पत्थर चेक मार सकते गैस, ये आपको शायद से दिख रहा होगा गैस, इतना बड़ा पत्थर है ना, इसको अकेले बंदा तो ला ही नहीं सकता, हिला भी नहीं सकता, तो लाने के बाद गैस काफ़ी दूर है। और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये गैस काफ़ी ख़तरनाक भी, ये वाली जो लोकेशन है काफ़ी ख़तरनाक अभी बन गई है, पहले इतनी ख़तरनाक नहीं हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको चारों ओर पेड़ पेड़ दिखेंगे, और ये गैस पत्थर भी ऐसे जगह पर आए हैं, देख सकते हैं आप ऊपर से गैस ऊपर साइड से पत्थर आए हैं नीचे में, और ये ट्रक से लाए गए हैं गैस, ट्रक में गैस एक पत्थर तो आराम से आता होगा ट्रक में, और इतना हेवी ट्रक होता होगा जितना ये पत्थर है उतना ही हेवी ट्रक भी होता होगा। बाकी आप इधर चेक मार सकते हैं गैस, ये जो पत्थर है ना गैस ये आप चेक मार सकते हैं, ये इतना सा पत्थर है पर ये इतना ज़्यादा हेवी है, इसको मैं एक हाथ से भी उठा नहीं पा रहा हूँ, ये चेक मार सकते हैं गैस,
यहाँ से आपको साइड से दिख रहा होगा ये पत्थर गाइज, ये इसका कम से कम वेट है गाइज, आई थिंक सो मैं बात करूँ तो उसका गाइज 2-2.5 किलो के ऊपर ही उसका वेट है। बाकी आप ये वाली लोकेशन चेक कर सकते गाइज, ये काफ़ी ख़तरनाक लोकेशन है मेरे लिए भी, क्योंकि यहाँ पर गाइज ये जो जैसी यहाँ पर जगह है ना, इसमें गाइस कीड़े वगैरह सांप वगैरह भी रहते हैं। आप यहाँ पे से देख सकते हैं गाइस, इधर साइड में आपको थोड़ा थोड़ा जंगल मिलेगा, पर ये जंगल नहीं है, ये थोड़ी सी ऐसी झाड़ियाँ हैं। और इधर साइड में हमारा गांव है, उधर साइड में तालाब है, और ये पहाड़ी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये पत्थर चेक मार सकते गाइस, ये पत्थर देखो, ये जो काला वाला पत्थर है ये गाइस चेक मार सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा पत्थर है, वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और वहाँ से गाइस रास्ता है, देख सकते हैं वहाँ से, ये जगह सूखा वाला पेड़ यहाँ पर पड़ा है, बाकी ये बेर का पेड़ है। और इधर साइड में ये कुछ इस तरीके की लोकेशन है, और यहाँ पे चेक मार सकते गाइस, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो पत्थर है ना, ये पत्थर देख सकते गाइस, ये भी काफ़ी बड़ा है, इसका तो कम से कम वेट गाइस 2.5 किलो या फिर 0.5 किलो के ऊपर में ही होगा, इतना भारी है। और छोटे छोटे पत्थर गाइस इतने हैवी हैं कि अब मैं जिनकी बात ही नहीं कर सकता, और ये इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर साइड से आए हैं, कैसे आए गए, ट्रक की वजह से आए हैं, क्योंकि अकेला बंदा और कोई इंसान इसको ला नहीं सकता। और ये भी जितना भी गैस यहाँ पर पत्थर पड़ा है ना, ये अभी किसी काम का नहीं है, सब वेस्ट है। इससे गैस ये जो मैंने दीवार बताई थी ना आपको, ये इन्हीं पत्थर से बनी है दीवार, बाकी अभी इसका कुछ भी काम नहीं है, इसका जो भी काम था उनका वो हो गया काम, मॉल वाले ने उनका काम कर दिया और इसको इधर साइड में फेंक दिए हैं। बाकी चेक कर सकते इधर साइड में, यहाँ से लोकेशन चेक मारो गैस, ये पूरी तरीके से पत्थर है यहाँ पर। इधर साइड में गैस मैं बहुत पहले फ़ोटोशूट की लाया करता था जब मैं था, यहाँ पे कुछ इस तरीके की लोकेशन है। और ये वाला सूखा वाला पेड़, सूखा पेड़ गाइस आम का पेड़ हुआ करता था, बट अभी पूरी तरीके से सूखा पड़ा है। गाइस आपको ये वाली लोकेशन कैसे लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करके ज़रूर से बताना गाइस, आपका ओपिनियन भी मैं देखना चाहता हूँ कि आपको ये लोकेशन कैसे लगी। और जो पत्थर है गाइस, पत्थर इसको मैं गाइस जो ये जो पत्थर है ना गाइस, एक्चुअल में उतने हेवी नहीं है जितना पत्थर गाइस, जो पत्थर मेन था ना उनको जो निकाला गया है ना यहाँ से, जो मैग्नीज के लिए यूज़ होता है जिससे लोहा वगैरह बनता है ना, वो तो इससे भी ज़्यादा भी हैवी होता है, और वो काला कलर का होता है। इसको गाइस मराठी में, इसको गांव वालों की भाषा में अगर बात करें तो इसको सापराड बोलते हैं। अब ये मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पत्थर ही उसी टाइप का है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये साइड से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गाइस, ये पत्थर इसको बोलते हैं सापराड, कुछ अजीब सा ही नाम है, बाकी इसी तरीके से इसको बोलते हैं। वैसे अभी ये कुछ काम का नहीं है, पहले इसका काम अंदर में हुआ करता था, खदान के अंदर में हुआ करता था, तो वहाँ से इसको निकाल लिए और इधर चेक कर सकते हैं। वो पहाड़ी के गाइस टॉप हैं, वहाँ पर तक कि हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, बट थोड़ा सा खतरा कैसा है क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर है ना गाइस, ये छोटे छोटे पत्थर है, तो इसमें से पैर फिसलता है, और पैर फिसल गया तो पत्थर भी फिसल जाता है, और उसके साथ में अपन नीचे आ गए तो नीचे तो हालात देख सकते हैं आप, इतने बड़े बड़े पत्थर है कि बचना तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक के ऊपर एक पत्थर आएगा ऊपर से और उसमें हम दब जाएंगे। तो आराम से गाइस, हाथ पैर तो टूटना ही टूटना है, उसका तो छोड़ ही दो, पर जान बचेंगे इसका भी कोई चांस नहीं है। बाकी ये इधर साइड में भी गाइस काफ़ी ज़्यादा सांप वगैरह होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लोकेशन है ना, ये पूरी तरीके से झाड़ी वाली लोकेशन है। आप इधर साइड में भी चेक मार सकते हैं, आपको पूरी तरीके से झाड़ मिलेंगे, वहाँ पे साइड से आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, पूरा कैसे यहाँ पे झाड़ियों से बना पड़ा है यहाँ पे, इस तरीके से पहले नहीं हुआ करती थी, जब ये दीवार बनी ना गाइस तब ये, उसके बाद में ये सब प्रोसेस हुआ है, क्योंकि ये जो पेड़ थे यहाँ से काटे गए थे, तो वो फिर से वापस आ गए, बड़े हो गए, तो इस तरीके से लोकेशन बन गई है। बाकी लोकेशन गाइस काफ़ी ख़तरनाक है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर जानवर की बात करें तो कि सांप वगैरह होते हैं, क्योंकि उनसे काफ़ी ज़्यादा डर है, क्योंकि ऐसी जगह में काफ़ी ज़्यादा होते हैं जानवर, सांप वगैरह बिच्छू भी होते हैं गाइस ये वाले लोकेशन में, जिस तरीके से अभी देख सकते हैं, ये कि देख सकते हैं कैसे आपको यहाँ पे थोड़ा झाड़ियों टाइप दिख रहा होगा, पर एक्चुअल में पूरे पत्थर पीछे पड़े हैं यहाँ पे। ये है कुछ आज की हमारी लोकेशन। और जो गाइस मैं पत्थर की बात कर रहा था ना, वो कुछ ऐसा दिखता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कैसे काला काला सा पत्थर है ये, और इसका भी वेट गाइस काफ़ी ज़्यादा है। इसी से गाइस, इसी तरीके से पत्थर से वो निकलता है मैग्नीज, जो कई गाइस यहाँ पे सेल में से गाइस अब जो पाउडर निकलता है ना ब्लैक वाला, वो भी इसी में से बनता है, ये वाले मैग्नीज से। और ऐसे आसपास गाइस काफ़ी ज़्यादा मैग्नीज हैं, सबसे पास में एक सीता सोंगी की मैग्नीज है जिसका नाम है चिखला मोयल नाम है गाइस, वो यहाँ से 9-10 किलोमीटर के दायरे में है। फिर तिरोड़ी माइन आती है, पूरे डोंगरी बुजुर्ग गाइस, बट नंबर 2 पर गाइस ये डोंगरी मोयल आती है, जहाँ से ये सब प्रोसेस होता है। अभी भी काफ़ी दिनों से चल रही है गाइस, ये काफ़ी पुरानी मोयल है, इसको अभी कितना साल हुआ इसका मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है, बट बहुत काफ़ी ज़्यादा पुरानी है मोयल है। और चेक कर सकते हैं यहाँ से, देख सकते हैं कैसे पत्थर, ये जो पत्थर दिख रहा है ना आपको, ये है गाइस कुछ इस तरीके से लोकेशन, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये पूरी तरीके से पत्थर से गिरी हुई है। इधर साइड से गाइस काफ़ी ज़्यादा पत्थर आते हैं, अभी गाइस इधर साइड में पत्थर
यस अभी तो इधर साइड से पत्थर आना बंद है क्योंकि अभी उधर साइड में चल रहा है, उधर वाली पहाड़ी बन रही है अभी। ये गैस इसी तरीके से पहाड़ी बनते जाती है गैस, अभी उधर साइड में बन रही है, पहले ये बन रही थी, अब इधर साइड में गैस वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होने लगा, इधर साइड से अभी बंद कर दिया ये वाला, अभी उधर साइड से चल रहा है आगे में। अपने पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा गैस तो मैंने दिखाया था, कुछ ट्रक वगैरह भी दिखे होंगे आपको वाले ब्लॉग में, तो उधर साइड में अभी चल रहा है उनका काम, ये वाला जो वेस्ट प्रोसेस है ना ये उधर साइड में भी फेंका जा रहा है, अभी इधर से बंद कर दिया गया है क्योंकि इधर साइड में गैस वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया था और ये पूरा गैस आगे में खेत है लोगों के, तो उधर साइड में जा रहा था, तो उस वजह से अभी इसको यहाँ पे एक पत्थर वाली एक दीवार बना दिए और उसको पैक कर दिए। अब इधर साइड में वेस्ट फेंकना भी बंद हो चुका है, इसलिए इस तरीके से लोकेशन हो चुकी है। बाकी गैस उम्मीद करता हूँ गैस आपको ये वाला भी ब्लॉग, आपको मेरे को तो उतना इसके बारे में नहीं पता है बट जितना मेरे को पता था ना गैस मैंने आपको बता दिया। आई होप गैस ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, इससे ज़्यादा गैस मैं आगे नहीं बताने वाला क्योंकि मुझे भी उतना जानकारी नहीं है। बाकी ये वाला ब्लॉग मैं यहीं तक के रखता हूँ, आई होप ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आते तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड के साथ में गैस शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एडियस आउट।